वैसे तो बिहार के कई लोग हैं जिन्हें अपने काम के लिए पद्म अवार्ड मिला है, पर इस साल मुंगेर के विमल जैन को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों अवार्ड मिलना अपने आप में खास है। मुंगेर के विमल जैन को राजधानी दिल्ली के राजभवन में देश के चौथे सर्वोच्च अवार्ड पद्मश्री से नवाजा गया। मुंगेर की धरती पर जन्मे यहाँ के लाल को पद्मश्री से नवाजे जाने पर उनके परिवार में खुशी का माहौल है। वहीं योग की इस नगरी में लोग खुशी से झूम रहे हैं। ये दूसरा मौका है जब मुंगेर के किसी लाल को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। इससे पहले बिहार स्कूल ऑफ योगा के स्वामी निरंजनानंद सरस्वती को योग के क्षेत्र में ये अवार्ड मिल चुका है। पद्मश्री विमल जैन मुंगेर के रहने वाले हैं। मुंगेर के प्रतिष्ठित व्यवसायी घराने से जुड़े विमल जैन का जन्म मुंगेर के जुबेल बैल चौक में हुआ है। भंवरलाल जैन और माता सोहनी देवी जैन की ये तीसरी संतान है। विमल जैन फिलहाल पटना में रहकर व्यवसाय करते हैं। आपातकाल में छात्र आंदोलन से और लोक नायक जयप्रकाश आंदोलन से जुड़े विमल जैन एक हो गए। पीड़ित मानवता की अहर्निश सेवा से निमित्त 64 वर्षीय विमल जैन को ये सम्मान मिला है। उनका पटना में अपना कारोबार है। जब हमारे संवाददाता ने विमल जैन के छोटे भाई से बात की तो इस खुशी के मौके पर उन्हें कैसा लग रहा है तो सुनिए उन्होंने क्या कहा इस बारे में। उनके साथ जो उनके काम को रहा है और उनके साथ जितने लोग भी काम करने वाले हैं सभी निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात, इस टीम को बनाए रखना, इस टीम को चलाने के लिए जो जमा होना चाहिए वो मेरे भैया के द्वारा किया गया है। इससे हम लोग देखते आए हैं। देखिए, उनका पूरा बचपन तो मुंगेर में बीता है। आज मैं जहाँ जिस दुकान में बैठा हुआ यहाँ उनका कार्यकाल रहा है। मुंगेर मॉडल हाई स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन भी यहीं से करके फिर वो पटना चले गए एलएलबी के। कुछ दिन गुरु गोविंद सिंह महाविद्यालय में लेक्चरर भी है और जेपी आंदोलन में जुटने के बाद वो अपना छोटा मोटा रोजगार करते हुए इस काम में लगे और आज उसको बड़ा रोजगार। मुंगेर के लिए गौरव की तो बात है और पूरे बिहार के लिए गौरव। बता दें कि विमल जैन के कई मित्र आज राजनीतिक क्षेत्र में हैं, लेकिन उन्होंने खुद को राजनीति से दूर ही रखा और समाज सेवा का रास्ता चुना। फिलहाल वो कृत्रिम पैर से जुड़े एक संगठन प्रकल्प भारत विकास परिषद के महामंत्री के रूप में पटना में भारत विकास परिषद विकलांग अस्पताल चलाते हैं, जिसके जरिए करीब 35,000 से भी ज्यादा विकलांग लोगों को आर्टिफिशियल सपोर्ट लगाने का उन्होंने कीर्तिमान बनाया है। इसी तरह दधी देहदान के माध्यम से दृष्टिहीन दिव्यांगों के जीवन में फिर से उजाला भर रहे हैं। उनके शहर के लोग इस सम्मान से काफी खुश हैं। बिहार तक से बात करते समय उन्होंने खुशी जाहिर की और बताया कि विमल जैन को ये सम्मान मिलने के बाद पूरे परिवार के साथ मुंगेर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मुंगेर आज बहुत अपने आप को गौरव से भरा हुआ दिख रहा है कि इनकी घोषणा तो काफी दिन पहले हुई थी, लेकिन विधिवत राष्ट्रपति भवन बुला के अभी उनको पद्मश्री दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये मुंगेर की धरती से निकले और पटना जाके अपना कार्य क्षेत्र उन्होंने पटना बनाया और विकलांग के क्षेत्र में और महावीर संस्थान जैसे संस्थाओं से जुड़ के काफ़ी सेवा का भाव। अगर मुंगेर के नाम से हम लोग एक फ़ोन भी करते हैं तो रिस्पॉन्स लेते हैं और उसके लिए वो प्रयासरत होते हैं। अरे क्या बताएं, एकदम मजा आ गया, सुन के मजा आ गया। और हम नहीं, पूरे मुंगेरवासी जो जो इससे उनको जान रहे हैं, इस बात को सुन रहे हैं, वो सब लोग अपने आप को आज गौरव से भरपूर एनर्जी के साथ दिख रहे हैं। श्री विमल जैन को ये सम्मान मिलना पूरे बिहार वासियों के लिए गौरव का विषय है। मुंगेर से गोविंद कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।